तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, वन एंड ओनली। आज नए विजन को देखेंगे हम सर की आंखों से। आप सबके जोरदार तालियों के साथ मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा मिस्टर निर्मल पटेल सर को। विद स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। वे पाचड़ आ बाजू। केम छो? जो चुप बैठे वो कैसे है? मैं पूछ रहा हूं जो चुप बैठे हैं वो कैसे है? क्योंकि चुप बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आवाज आ रही है मेरी? चुप बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप बैठने वाले टेंशन करा देते हैं। शादी हो गई उसको पता चलेगा। शाम को घर पे जाओ और बीवी एकदम चुप बैठी हो तो टेंशन बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? हैं? बढ़ेगी या कम होगी? तो यहां पे भी चुप बैठेंगे तो टेंशन बढ़ जाएगी। तो आज का ये जो फंक्शन है टीमैक्स आगाज फंक्शन, ये चुप बैठने का फंक्शन नहीं है, ये हल्ला बोल करने का फंक्शन है। दोस्त कितनों के दम निकल गए, दबा क्या होगा, जो होगा सो होगा। जब मुझे क्योंकि क्योंकि हम जब काम करते हैं मार्केट में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो खून चूस लेते हैं, समझो, होते हैं ना। खुद तो नेगेटिव होते हैं, हमें भी करते हैं। तो यहीं एक ऐसा माहौल होता है, यहीं एक ऐसा फंक्शन, ये प्रोग्राम होता है जहां पर हमें रिचार्ज होना होता है, हमारी बैटरी चार्ज करनी होती है। तो वो चुप रहने से नहीं होगी, हल्ला बोल करने से होगी। यस। सबसे पहले मैं निर्मल पटेल आप सभी लोगों का टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की ओर से टीमैक्स आगाज फंक्शन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 50 किलोमीटर दूर से आए होंगे, कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 200, 300, 400, 500 और मेरे कुछ ऐसे प्यारे दोस्त भी है यहाँ पर जो 1000 किलोमीटर दूर से भी इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र टीम 1000 किलोमीटर दूर से आए, 1000। तो इतनी दूर से आप सभी लोगों को यहां पर किसी ने इनवाइट किया है। यस। तो क्यों किया है आप लोगों को, क्यों इनवाइट किया है इतनी दूर से यहां पर? समझो आप सब ने प्रोडक्ट तो परचेस कर लिए होंगे, राइट? तो आपने अगर प्रोडक्ट परचेस किए हैं तो आपको यहां पर जिन्होंने इनवाइट किया उनको तो पैसे मिल गए होंगे, जो भी उनका कुछ होगा वो उनको तो मिल गया होगा। तो फिर से आपको यहां पर क्यों बुलाया है? तो यहां पर आपको बुलाने का मकसद पैसा नहीं है,
यहां पर आपको बुलाने का मकसद है आपको कामयाब बनाना। यहां पर हमें इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोग मिलकर कामयाब बन पाए, और कामयाब हम तभी बन पाएंगे जब हमें विश्वास होगा खुद के ऊपर। क्योंकि मैंने बोला ना, मार्केट में जो लोग है वो खून चूस लेते हैं, तो हम लोग तो एक्साइटेड होते हैं, यस टीम एक्स ने लाइव बनानी है, लेकिन जैसे ही मार्केट में जाते हैं कोई आता है खून चूसने वाला, तो ऐसा लगने लगता है क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे यार टीम एक्स कंपनी तो सही है या नहीं है यार, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो अंदर से जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। तो यहां पर कामयाबी हमें तभी मिलेगी जब अटूट विश्वास आएगा, और अटूट विश्वास ऐसे प्रोग्राम में आता है। जैसे हम किसी को प्रोडक्ट दिखाने के लिए जाते हैं तो डेमो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? यस डेमो दिखाते हैं, ताकि उनको विश्वास आए कि नहीं प्रोडक्ट सही में जेन्युइन है। तो आप ऐसा समझो, हम सब लोगों के लिए ये जो फंक्शन है ये एक डेमो है। कैसा है डेमो? यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो आकर अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि मैं टीम एक्स में कैसे कामयाब बन रहा हूं। बहुत सारी हाउसवाइफ आएगी जो यहां पर अपनी कहानी बताएगी। बहुत सारे प्रोफेशनल्स आएंगे, कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो शायद पढ़े लिखे नहीं है, वो सब यहां पर जब अपनी कहानी बताएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि यस ये भी मेरी तरह ही था, अगर आज ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और ऐसा अगर एक बार विश्वास आपके अंदर आ गया ना, तो डेफिनेटली अगले फंक्शन में आप भी यहां पर स्टेज पर होंगे। तो ये विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज हमें यहां से लेकर जाना है। सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हो सकता है यहां पर बहुत सारे लोग स्टेज पर आएंगे, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार आएंगे स्टेज पर। और यार जब मैं खुद पहली बार स्टेज पर आया था तो मेरे भी पैर ऐसे ऐसे हुए थे, मेरा भी हाथ ऐसे 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 हुआ था, और मैं जो तैयार करके आया था वो सब भूल गया था और कुछ और ही बोल के आया था। तो हो सकता है कुछ लोग यहां पर पहली बार आएंगे तो शायद वो भूल जाए, शायद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। यस और नो? हम सब लोगों को मिलकर सबका हौसला बढ़ाना है, राइट? और ये जो 5-6 घंटे का जो ये प्रोग्राम है, हम सब लोगों को फुल एनर्जी फुल एक्साइटमेंट के साथ इसको अटेंड करना है। क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? राइट? तो यहां पर जितने भी लोग आएंगे उन्हें हमें शांति से सुनना है। अगर कुछ वीक कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जो पहली बार आता है, तो उसमें ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग तो आन तो बोलता नहीं आवर तू। अरे भाई आप भी पहली बार जब यहां पे आओगे तो आपको समझ में आएगा भाई, इतनी सारी ऑडियंस के सामने बोलना, तो कभी भी ऐसा हमें किसी को अंडर एस्टिमेट या किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, राइट? और अगर हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, तो एक दिन हमारी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। यस? तो फ्रेंड्स देखो, यहां पर है ना दो तरह की दुनिया है, एक है टीम एक्स की दुनिया, ये टीम एक्स की दुनिया है, और एक है टीम एक्स के बाहर की दुनिया। यहां से हम बाहर जाते हैं वो बाहर की दुनिया है। टीम एक्स की जो बाहर की दुनिया है ना, वो ऑलवेज आपको ऐसा बोलेगी, तू नहीं कर पाएगा, तेरा काम नहीं है, तेरे से नहीं होगा, रेवा दे बोलती है। और ये टीम एक्स की दुनिया है, यहां पर ऑलवेज आपको ये सिखाया जाएगा, तू ही कर सकता है, तू ही वो पर्सन है जो तेरे घर की परिस्थिति चेंज कर सकता है। बाहर की दुनिया में जब हम पैसे कमाने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर पहले आपको ये पूछेंगे, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी डिग्री है, क्या आता है तुम्हें, तुम्हारी स्किल क्या है, कौन से गांव से हो, कौन सी कास्ट है, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, क्या तुम पढ़े लिखे हो, ये है वो है वो नहीं है ये है, सब पूछा जाएगा आपको, तब जाके आपकी कीमत नक्की की जाएगी, 15,000 20,000 25,000। लेकिन दोस्त ये टीम एक्स की दुनिया है,
यहाँ पर आपको ना तो क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, ना आपका एजुकेशन, ना डिग्री, ना आपकी स्किल्स, ना आपका गांव, ना आपका बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो है क्या आपके अंदर आग है, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं मेरे परिवार की परिस्थिति बदलना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे मां बाप को मेरे ऊपर प्राउड फील हो। अगर ऐसी एक आग, ऐसी चिंगारी भी अगर आपके अंदर है ना, तो बस यही काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। देखो, तालियां बजानी है ना तो तालियों की तरह बजानी चाहिए, और जीवन में हमेशा एक मेरा रूल रहा है, या तो किसी काम, तो काम को 0% करना चाहिए या तो 100% करना चाहिए, कभी भी बीच में नहीं रहने का। वो समीर सर का जो फेवरेट डायलॉग है ना, कि मान लो घर पर जाकर बीबी को जाकर ऐसा बोलोगे आई लव यू 99%, तो चाटा ही पड़ेगा, भले 99% है, राइट? तो ऑलवेज या तो 0% होना चाहिए या 100% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि यार सर, हम मार्केट में जाते हैं, जब सामने हमारे से भी कोई पावरफुल मिल जाता है और हमें आकर फूक मार देता है, हमें नेगेटिव कर देता है, तो अंदर एक बार ऐसा हो जाता है कि यार मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत, क्या ऐसा होता है? जब हम काम करने के लिए जाते हैं और जब हमारे खुद के ही घर से या तो हमारे ही मां बाप हमें ऐसा कहते हैं, कब तक दौड़ेगा, इसमें कुछ नहीं होगा तेरा, जब हमारे ही घर से हमें फॉलोअप मारे जाते हैं ना, तब अंदर से थोड़ा सा एक डर आता है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। होता है कि नहीं होता? होता है ना। हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं नेगेटिविटी आती है कि नहीं आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हम लोग अभी टीमेक्स के साथ दिल से नहीं कनेक्ट हुए, अभी हम लोगों ने टीमेक्स को सही से समझा नहीं है, हम लोग एक मिशन के साथ अभी परफेक्टली नहीं जुड़े हैं। जिस दिन आप टीमेक्स के हेल्दी इंडिया मिशन के साथ दिल से कनेक्ट हो जाओगे ना दोस्त, तब आपके अंदर से ये डर ही निकल जाएगा, कामयाबी का, नहीं कामयाबी का, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, ये सारे डर निकल जाएंगे जिस दिन आप मिशन हेल्दी इंडिया के साथ दिल से जुड़ जाओगे। तो क्या आप सब जुड़ना चाहते हो? थोड़ा जोर से यार, जुड़ना चाहते हो तो यार। देखो, हम सब लोगों को इस मिशन के साथ दिल से क्यों कनेक्ट होना चाहिए, मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, 28 साल की उम्र में, ध्यान से समझना, आने वाली जो 10 मिनट में बात करने वाला हूं, आपको सब समझ में आएगा कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए। 28 साल की मेरी उम्र, मेरी दोनों किडनियां फेल। हेलो, 28 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा था, सुबह 6 बजे का टाइम था, सांस फूलना शुरू हो गई, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि निर्मल तू रिपोर्ट करवा ले। जैसे ही मैंने रिपोर्ट करवाए, रिपोर्ट आते हैं शाम को, रिपोर्ट में ऐसा आया मेरी दोनों किडनियां फेल। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से आपकी लाइफ में जब आती है ना, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मेरे लिए भी ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। फिर एक होता है ना, एक इंजीनियरिंग दिमाग, कि यार ऐसा हुआ क्यों, कि मेरी लाइफ तो एकदम परफेक्ट थी, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं रोज़ सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं हेल्थ का इतना ध्यान रखता हूँ, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है फिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को मैंने पूछा कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि 28 साल की उम्र में ऐसा अचानक से क्यों हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस किए। सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर ने मुझे किया, क्या तुम सिगरेट पीते हो? मैंने बोला नहीं सर। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या शराब पीते हो? बोला नहीं सर, शराब भी नहीं पीता। क्या और कोई व्यसन है? मैंने बोला नहीं।
तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हुआ कि यार कोई व्यसन नहीं है, तो फिर पक्का कुछ खाने में आ गया होगा। क्योंकि धीरे धीरे मैं जब अंदर उतरा, मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ये होने के बहुत सारे रीज़न है। वैसे मुझे एक बार तो दिमाग में ऐसा भी आता था यार, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 15-20 साल से सिगरेट पी रहे, अगर उनको कुछ नहीं हुआ यार, मैं तो, मुझे तो कोई ऐसा व्यसन भी नहीं था, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। फिर जब मैं डीप में गया, जब मैंने और रिसर्च करना शुरू किया, तब ये चीज़ समझ में आई कि यार आज सही में जो खाना खा रहे हैं ना, वो खाना हम क्या खा रहे हैं वो हमें नहीं समझ पता है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है यार मैं बाहर का खाना तो नहीं खाता, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, पर घर का भी जो हम खाना खा रहे हैं वो भी तो सेफ नहीं है, उसमें भी हम कौन से केमिकल डाल रहे हैं हमारे शरीर में वो हमें नहीं पता है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, राइट। अब हमारी बॉडी में जो नेचुरल चीज़ें गई है उसको किडनी फिल्टर कर सकती है, लेकिन किडनी का काम केमिकल फिल्टर करना नहीं है। जो केमिकल, जो पेस्टिसाइड्स जो खाने में हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वो तो किडनी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो केमिकल तो किडनी को भी लोड डालेंगे ही। और उसका जीता जाता जागता जो एग्जाम्पल है वो ये है कि मेरा जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर रोज के 150 से 200 नए पेशेंट आते हैं किडनी के। ये मैं एक अस्पताल की बात कर रहा हूँ, और ऐसे तो न जाने पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में कितने अस्पताल हो गए। तो ज़रा आप सोच के देखो कितने सारे लोग बीमार पड़ रहे होंगे। जब मेरा ऑपरेशन था ना, तब मुझे ऐसा था यार मुझे छोटी सी उम्र में ऐसा हो गया, पर आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था, मेरे साथ 6 लोगों का ऑपरेशन था और सबसे बड़ा मैं था। एक तो 6 साल का लड़का था जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था। तो ज़रा सोच के देखो परिस्थिति आज क्या है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज बीमारियाँ है वो बढ़ रही है। जब मैंने इस विषय में और ज़्यादा मैं डिटेल में जब गया, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलवेज ऐसा सोचता है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा तो क्या करे कि और लोगों को ऐसा ना हो। तो ये चीज़ें जब मैंने सोचना शुरू की, देखो जो एलोपैथिक साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो ऑलवेज आप बीमार जब हो जाओगे ना तब उनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मान लो ब्लड प्रेशर आया तो उनके पास गोली है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी, निकालेगी नहीं। मान लो डायबिटीज़ आ गया तो उनके पास ट्रीटमेंट है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा, डायबिटीज़ निकलेगा नहीं। लेकिन आयुर्वेदा फूड सप्लीमेंट ये ऐसे साइंटिफिक तरीके हैं कि अगर हम लोग हमारे जीवन में पहले से अगर इसको अपनाए ना, तो आयुर्वेदा ऐसा कहता है मैं आपको बीमार ही नहीं पड़ने दूंगा। जब मैंने और डिटेल में समझा तो मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर हम लोग आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाते हैं, अगर हम लोग ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली अगर समझते हैं, लेते हैं, तो हम लाइफ टाइम हमारे परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग, सब यंगस्टर्स बैठे ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, मुझे कहाँ ज़रूरत है, और ये सब कहाँ लेक्चरबाजी करते सर, यहाँ पर ये बताओ कितना कमाना है, हमें तो ये चाहिए, ये रोकड़ा। मैं भी आप ही की तरह था, आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, मैं आप ही की तरह था, मुझे भी हेल्थ से कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं था। अगर कोई मुझे ऐसा समझा था ना कि ये सप्लीमेंट लो, ऐसा करो वैसा करो, तो मैं उनको लाइटली लेता था एकदम, भाई जाने यार पछी यार आप बड़ी कथा यार अत्यार क्या चालू करी यार, मैं भी नहीं सुनता था। बट आज सुनता हूँ, आज समझता हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है ये बॉडी की वैल्यू क्या है, ये शरीर की वैल्यू क्या है। क्योंकि मैंने ऐसा दिन भी देखा हुआ है मेरी लाइफ में कि जेब में पैसा होता था, सामने रेस्टोरेंट होती थी, उसमें बढ़िया बढ़िया खाना होता था, इच्छा भी होती थी खाना है, लेकिन खा नहीं पाता था।
क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेशन आता था ना, तो मैं गरीब बच्चों को बिठा कर वहाँ पर उनको खाना खिलवा देता था, क्योंकि मैं नहीं खा पाता था। और जब मैं इस फेस से निकला हुआ, मैंने 6 साल रात को बिना नमक की खिचड़ी खा के निकाला है, 6 साल। और मैंने जो ज़िंदगी जी है ना, मैंने जो कंट्रोल किया है ना मेरी लाइफ का, मैं चाहता हूँ यार ऐसे दिन कोई और देखे नहीं कभी भी अपनी लाइफ में। इसलिए मैं इतना सीरियसली जब लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोग जब सीरियसली मुझे नहीं सुनते, मैं फिर उनको और ज़्यादा ताकत से बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई संभल जाओ, समझ जाओ, क्योंकि आज जो परिस्थिति आए ना वो हमारे हाथ में नहीं है यार। आज हम जो खाना खा रहे हैं, आज जो हम हवा ले रहे हैं, आज जो हम पानी पी रहे हैं, उसमें हम क्या क्या अंदर डाल रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट डालो अंदर ताकि वो सब डिटॉक्सीफाई हो जाए और आप सब लोग हेल्दी रह पाओ। और ये तो भूल ही जाओ कि 100 साल तक हम जिंदा रहेंगे, ये तो शायद अब मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अगर रह गए तो भाई नसीब है, अगर सही से 70 तक भी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। और मेरा ऐसा मानना है भाई, जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी हो, बिना अस्पताल के जिए ना वो असली जिंदगी है। वो जिंदगी क्या काम की यार, कि आखिर के 6 महीने भाई आपके आसपास आपके जो घर के लोग हैं वो आपके पीछे परेशान हो जाए, ऐसी जिंदगी काम की नहीं दोस्त। आज अगर संभल गए, आज अगर अपने शरीर का ध्यान रखा, आज ये सब चीज़ें समझी ना, तो ये सब पॉसिबल है। मैं बहुत बार टीमेक्स में ऐसा बोलता हूँ भाई, पैसा है वो बाद में देख लेना, अगर टीमेक्स रिटेल लिमिटेड में आपको ये भी तो समझने का मौका मिल रहा है ना कि आपका शरीर क्या है और आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो भी आप अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ बताना यही चाह रहा हूं कि जब मैंने ये सब चीजें रिसर्च की, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं उस लेवल के सप्लीमेंट्स बनाना चाहता हूं कि वो सप्लीमेंट्स लोग अपना कर खुद और अपने परिवार को हेल्दी रख पाए। और आज आप देखो टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, क्या आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो? क्या आपको लगता है इसको यूज़ करने से कुछ फर्क महसूस हो रहा है? क्योंकि वो इतने दिल से उसको बनाए गए, क्योंकि उसके पीछे मेरी कहानी जुड़ी हुई है। मैं 2-3 ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि जिनको टीमैक्स के प्रोडक्ट यूज़ कर कर कुछ ना कुछ बेनिफिट हुए हो, ऐसे 2-3 लोगों को मैं बुलाना चाहूँगा। अगर यहाँ पर आप आओ प्लीज़ फटाफट से। यस सर, देखो ये हमारे ही बीच से लोग हैं जिन्होंने आज टीमैक्स के प्रोडक्ट यूज किए और उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले, तो आज हम उनकी जुबान से ये जानते हैं कि भाई ऐसे तो क्या परिणाम मिलते हैं। और हमें ये समझना है कि हमें ये प्रोडक्ट्स को हमारी डेली लाइफ का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए। देखो आज से 10-15 साल पहले मेरे पास कोई आता है और मुझे ऐसा बोलता ना प्रोडक्ट यूज़ करो अच्छा है, तो मैं ना बोल देता कि भाई मारे ज़रूरत नहीं तू करवा यूज़ करूँ। बट देखो बीमारी ऐसी चीज़ है जो बता कर नहीं आती, तो हमें पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और आज अगर हम टीमैक्स में हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को ये बताना कि हम लोगों को हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा। आइए पूछते हैं इन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है, बहुत जल्दी से हमें बताना है। यस मैम, सर मेरे को सर्दी की 12 महीने जो सर्दी रहती है उसकी एलर्जी थी और स्किन इश्यू भी थे, तो
डॉक्टर के दबाव से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लगभग 2-2.5 साल से परेशान थी। तो इन चीज़ों से मुझे, जैसे नॉनी तुलसी है ये, और स्किन प्रॉब्लम में मुझे तुलसी, चारकोल सोप, स्किन एनहांस क्रीम, इन सबसे अच्छा फ़र्क पड़ा एलोवेरा जेल से वगैरह। जैसे मैं उनको एलर्जी थी सर्दी और उसकी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसी एलर्जी होती है, जैसे मेरी वाइफ है उनको ही है, हाँ थोड़ा भी अगर डस्टिंग में वो चले जाए तो सर्दी हो ही जाती है। तो तुलसी के ऐसे परिणाम है कि आपकी जो बहुत पुरानी अगर एलर्जी है तो भी वो निकल जाती है। तो ये तुलसी सप्लीमेंट का बेनिफिट है। यस मैम। जी सर, मुझे भी साइनस था और माइग्रेन था, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है नॉनी और तुलसी से। जैसे साइनस है, अभी ये जो भी चीज़ें साइनस माइग्रेन, हम लोगों को अभी इनिशियल लेवल पर ऐसा लगता है भाई ये तो साइनस ही है ना, ये तो चलो माइग्रेन ही है ना, पर अगर इसको हम नेगलेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे फिर ये बड़ा रूप भी लेते हैं। तो इसको इनिशियल लेवल पर ही ख़त्म करना चाहिए। और ये तो ऐसी बात है कि इनको पता है, इनको ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो सप्लीमेंट लिया, उनको फ़ायदा मिला। अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है तो भी हमें सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए ताकि आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। यस मैम। सर, मेरे को आँखों में इन्फेक्शन का और इंटरनल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं कोई दवाई खाती थी ना तो मेरे को इंटरनल प्रॉब्लम में फ़ायदा होता था और ना ही आँखों की प्रॉब्लम में। शायद मेरे लिए कोई दवाई ही नहीं बनी थी। थैंक यू टीमेक्स, क्योंकि मैंने बेरी जूस और फेमिगार्ड टेबलेट और सप्तमृत लो टेबलेट लिए 6 महीने से, मैंने आँखों में एक ड्रॉप दवाई भी नहीं डाली है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आँखों की उनकी जो पुरानी प्रॉब्लम थी, तो सप्तमृत और बेरी जूस का तो वैसे भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स लिए, आँखों के नंबर निकलते हुए हमने देखे हैं बेरी जूस से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल, सर आपने क्यों चश्मे पहने, ये तो ऐसे ही पहने भाई, नंबर के नहीं है। सो थैंक यू। यस मैम। मां ना मिला बेन छे ने, हूँ वेरावर थी आऊँ छू, मने 5 लाख रुपया ने मैं दवा करी है इसे 20 वर्ष में, पण मने बेरी जूस नो एटलू रिजल्ट मळ्यू के आ 10मी बोटल मारे चालू छे बेरी जूस नी, ने आखा पग में ने मारे बहुत सोजा रहता था, पण नॉनी जूस ना एक ज बोटल थी मने अत्यारे एटलू सारू छे ने आखू गांठू गांठू ने बधुं हतुं ओगळी गयुं छे। बहुत बढ़िया, थैंक्स टू टीमेक्स रिटेल लिमिटेड। कि वैसे देखो ये सब चीज़ें कैसी है कि हम लोगों का तो एक इंटेंशन अच्छा होता है, बाकी सब तो करवाता है, राइट। यस मैम। जी सर, मुझे चिकनगुनिया में नॉनी तुलसी से रिजल्ट मिला है और मेरी फैमिली में CMD ड्रॉप से एसिडिटी में रिजल्ट मिला है। और चिकनगुनिया और एसिडिटी में। Yes. और नॉनी और कर्क्यूमिन से 4th स्टेज में कैंसर होतु एमा सारू एवं बेनिफिट रही है। थैंक यू। कर्क्यूमिन, जैसे मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देखो किसी को अगर कैंसर है तो उनको तो हम कर्क्यूमिन सजेस्ट कर ही सकते हैं, बट अगर कोई सिगरेट पीता है, कोई जो यहाँ पर सौराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो मसाला वो क्या फाकी बाकी जो खाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को कैंसर की हिस्ट्री रहती है कि फैमिली में सबको होता है, तो वैसे सभी लोगों को जबरदस्ती, वो हाँ बोले ना बोले, उनको जबरदस्ती कर्क्यूमिन देनी चाहिए। रोज सुबह उठ के एक गोली कर्क्यूमिन, आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता। सबसे प्रथम तो हूँ मारो परिचय आपी दू। जेतपुर तालुका में थी, जेतपुर तालुका ना नाना एवा गामड़ा में जेतलसर थी हूँ आऊँ, अने मने आठ थी ज्यारे 9 થી 10 મહિના पहला जी हमणानो ज आ मने प्रॉब्लम छे, मने नसनो प्रॉब्लम हतो, आखो मारो हाथ फाटतो, तो मैं MD इथी मोटा मोटा 4 एवा डॉक्टरों ने बतायुं पण मने एनु रिजल्ट न मळ्युं। पछी ज्यारे एक मैडम ने मने आयुर्वेदिक दवानी एने वात करी के मने तमे आ चालू करो ई के तमने सरस रिजल्ट मळशे, मैं कीधुँ सारा सारा डॉक्टर ने मैं बतावी जोयुं अने जो ई नथी मटाड़ी शक्या तो मैं कीधुँ तमारी आयुर्वेदिक दवा शू मने काम करशे, पण छताय मने प्रॉब्लम हतो एटले मारे तो काईक तो सोल्यूशन एना माटे मारे लेवानुं ज हतुं, एटले मैं ई मैडम उपर विश्वास कर्यो अने एने मने प्रोडक्ट ने सजेस्ट करी, पछी एनुं मैं नॉनी जूस, तुलसी ड्रॉप,
ગુડચીજ ઘન અને ત્રિફલા ટેબ્લેટ આટલી ચાર પ્રોડક્ટ હું હજી આજની તકે રેગ્યુલર પીઉં છું. ચાર મહિના થયા મેં આનું રિઝલ્ટ લીધું અને મને વિશ્વાસ બેઠો કે આ પ્રોડક્ટની અંદર કાંઈક તાકાત છે. એટલે પછી મેં એ મેડમને બોલાવ્યા, મેં કીધું આ પ્રોડક્ટની અંદર તાકાત છે 100%. હું આજે 8 મહિના થયા હું આ દવાઈઓ ખાઉં છું તો મને રિઝલ્ટ નહોતું મળ્યું. તો તમે આવો અને પેલા મને આ કંપની કોઈ કઈ છે શું છે આ મને સમજાવો અને પછી મારે આ કેવી રીતે મળે, મારે આમાં આગળ વધવું છે. કારણ કે મારે કોઈ પણ વ્યક્તિ બીમાર હોય તો એને હું આ મારી આ તમારી પ્રોડક્ટથી હું બીજાને સાજા કરી શકું એવો મારો એક હેતુ છે. વેરી ગુડ સર. હમારે યહાં એસી એક કહાવત હે, જીસ પ્રોડક્ટ કે ઉપર ટીમેક્સ લિખ દિયા ને ઉસકા તો રિઝલ્ટ મિલના પક્કા હી હૈ. ઉસકા રીઝન હૈ, ઉસકા રીઝન હૈ આજ ભી ટીમેક્સ કી જો પ્રોડક્ટ હૈ વો જો બનતી હૈ ઉસમે જો ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ યુઝ હોતે હૈ વો પ્યોર ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કો યુઝ કિયા જાતા હૈ ઓર આજ ભી પ્રોડક્ટ જહાં પર સ્ટોર હોતી હૈ ના વહાં પર મહામૃત્યુંજય મંત્ર ચલતે રહેતે હૈ. યે ઉસકી તાકાત હૈ. સર એક મિનિટ હું વધારે સમય લઈશ કે જ્યારે હું આમાં 4 જ મહિના થયા આની અંદર મેં જોઇનિંગ લીધું છે. કોઈ આમાં ઘણા વ્યક્તિઓ એવું જાણે મારી ઉંમર, તમને કેટલી લાગે મારી ઉંમર? 40. અરે હજી 25 જ છે સાહેબ, હું 40 50 જેવી લાગે છે. મારી ઉંમર 51 છે પણ મને આ પ્રોડક્ટમાંથી રિઝલ્ટ મળ્યું અને હું રેગ્યુલર પ્રોડક્ટ પીઉં છું અને મારી સાથે મારા વાઇફ બી આવ્યા છે, બે ગેસ્ટ બી છે, પણ મને રિઝલ્ટ મળ્યું ને એટલે મને અંદરથી એટલી આગ લાગી છે આ કામ કરવા માટેની. આ પહેલી વખત હું સ્ટેજ ઉપર આવ્યો, પહેલી વખત સર કહેતા હતા ત્રાટિયા ધ્રુજશે, ધ્રુજતા તાજ. થેન્ક યુ. ઉંમરે 40ની એટલે 50-51ની નહીં લાગતી અને પહેલી વાર સ્ટેજ ઉપર આવ્યો હોય એવું નહીં લાગતું. યસ સર. સર્વે મિત્રોને નમસ્કાર. વ્યવસાયથી શિક્ષક છું માધ્યમિક શાળામાં અને આમ તો ઘણી બધી પ્રોડક્ટ જોઈ પણ હું પોતે જીભનો કેન્સર પીડિત વ્યક્તિ છું. છેવાડાનું જે રાજસ્થાન અને એમપી જે બોર્ડર સરહદી વિસ્તાર છે અમારો, દાહોદ જિલ્લો અને ઝાલોદ તાલુકો અને એનામાં નાનું સરખું અમારું શહેર લીંબડી, ત્યાંથી હું બિલોંગ કરું છું. મેં ઘણી બધી દવા કરાવી, અંતે રોજ સાહેબ જે અમારા અમરદીપ હોસ્પિટલ દાહોદ, એમણે મને કીધું કે તમારી જીભનો એક ભાગ કાપવો પડશે બાજુની ડાબુ સાઈડનું. હું હેરાન પરેશાન થઈ ગયો, મારું પરિવાર નાસીપાસ થઈ ગયો કે હવે કેન્સર એટલે જીવનમાં કેન્સલ, કેન્સર એટલે કેન્સલ, ત્રણ બીમારી સાહેબે વાત કરી કે કિડની કેન્સર અને હાર્ટ એટેક, આ ત્રણે ત્રણ બીમારી એવી છે કે વ્યક્તિ એમાં પૂરો થઈ જાય. પણ મારા એક પરમ મિત્ર એવા કાયમ મારા સુખ દુઃખમાં સાથી એવા ખેમાભાઈ તાવ્યાળ, એમણે મને કીધું કે આપણે હજી એકવાર પ્રયત્ન કરો સાહેબ. અને અમે પછી અમદાવાદ આવ્યા, ઓઢવ જે આપની ઓફિસ ત્યાં, અને ત્યાં જઈને અમે તપાસ કરાવી. ત્યાં અમને પ્રવીણભાઈ મકવાણા સાહેબ કરીને જે મળ્યા અને એમના માધ્યમથી મેં નોની જ્યુસ, નેનો કર્ક્યુમ, પછી મોઢામાં જે જીભનું હતું એટલે એના માટે મેં ટૂથપેસ્ટ, નોની ટૂથપેસ્ટ, આ બધી તુલસી, આ બધી પ્રોડક્ટનું સેવન ચાલુ કર્યું. અને આજની તારીખમાં હું આપને દાવો કરું છું સાહેબ કે કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી હોય તો આ ટીમેક્સ એ આપણને સારા કરી શકે એવી એમનામાં ક્ષમતા છે. એના પછી જ મેં પોતે નિર્ણય લીધો કે ટીમ ઊભી થાય કે ના થાય પણ મારે આનું સેન્ટર એ મારે લીંબડીમાં ઊભું કરવું છે. અને મેં તરત જ મકવાણા સાહેબને કીધું કે મને આ સેન્ટર મળે કે કેમ. એમણે કીધું સરસ, તમને મળશે, હું ઉપર જાણ કરું છું. અને મેં સેન્ટર આજે ચાલુ કર્યું. એમાંથી 4 વ્યક્તિઓને આજે મેં
લકવાગ્રસ્ત અને કેન્સર પીડિત વ્યક્તિઓને આજે સાજા કર્યા છે અને એ જ દુઆ ઉપરવાળો મને આપે છે અને આજે તમારી સામે હું સ્વસ્થ આ મારો બુલંદ અવાજ છે હું શાળામાં ભણાવી શકતો નહોતો આજે હું શાળામાં વ્યવસ્થિત ભણાવી શકું છું એ આપ સાહેબનો મારા ઉપર ઘણો બધો એ અહેસાન છે સાહેબ ધન્યવાદ ગયા જન્મને સાહેબ કર્મ બહુ સારા હશે આપણા દેખો ફિર ભી મેં આપ લોકો કો યે કહેતા હું હમ કભી ભી યે નહીં કહેતે કે આનાથી કેન્સર સારું થઈ જશે મેં ઇતના કહેતા હું યે આપકો કેન્સર નહીં હોને દેગા રાઈટ યસ ફાસ્ટ થોડા ફાસ્ટ સર મારું વે મારું નામ અજય છે જેતપુર રહેવાનો મેં વેટ ગેઇનમાં ટીમએક્સનો પ્રોટીન પાવડરમાં બહુ સારું રિઝલ્ટ લીધેલું છે કારણ કે મારી ઉંમર અત્યારે 25 વર્ષની છે છેલ્લા 16 વર્ષથી લઈને 23 વર્ષ સુધી મારો વજન 42 રેખા 43 એનાથી વજન વધારે વધે છે મેં કીધું યાર તમને ક્યાંક જોયા હોય એવું લાગે પણ આ તમારો ફાઇલમાં ફોટો આવી ગયો ને મને નથી ખબર એવું તો વેટ બઢ ગયા પહેલા કમ કમ થા તો ઉસ ટાઈમ પર દેખાતા તો અભી બઢ ગયા ને તો અભી થોડા યસ ગ્રેટ એટલે 16 વર્ષથી લઈને 23 વર્ષ સુધી કા વજન 42 હોય કા 43 પણ બધા લોકો વજન કરાવે જ્યારે આપણે દવાખાને વજન માપવા જઈએ ત્યારે 42 43 રીતે અંદરથી કંઈક અવાજ આવે એમ કે આપણે વાવાઝોડામાં બધે ધ્યાન રાખવું પડે યસ એ થોડીક તકલીફ હતી પણ 3 મહિના મેં પ્રોટીન પાવડર પીધો અત્યારે મારો 42 કિલો વજન હતો ને અત્યારે મારો હે ને 60 કિલો વજન છે અને એ કોરોના પહેલાં મેં પ્રોટીન પાવડરનો કોર્સ કરેલો હતો આજે પણ હું વજન કાંટા ઉપર ઉભો રહું ને 60 કિલો જ વજન નીકળે ક્યાં વાત અને છેલ્લા 3 વર્ષથી આ ટીમિક્સના ફૂડ સપ્લિમેન્ટ લઉં છું 5 વર્ષ પહેલાં ઘણી બધી દવાઓ અને અઠવાડિયે કોઈ પણ ટેબ્લેટ અંદર લેવી પડે પણ આજે 3 વર્ષમાં એક પણ ટેબ્લેટ મેં અંદર નથી લીધી ક્યાં વાત એના માટે થેન્ક યુ ટીમિક્સ યસ ફાસ્ટ ફાસ્ટ યસ સર હલો યસ મારું નામ દલસુખ નજીક રાખો થોડું હલો મારું નામ દલસુખ છે ચોટીલા ગામથી આવું હું મને ખુદને કેન્સર હતું અને આ નોલી ટૂથપેસ્ટને આ તુલસી ડ્રોપથી મને બહુ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને મને ખુદને હતું અને ખુદને મને આમ જ હું સાજો થયો ડૉક્ટર તો કહેતા હતા કે ઓપરેશન કરવાનું હોય પણ મને રમેશભાઈ ભેગા થયા ને મને કે આનો તમે ઉપયોગ કરો એટલે કે તમને કે આનું રિઝલ્ટ મળશે તો મને 15-20 દિવસમાં આનું રિઝલ્ટ મળી ગયું બહુ સારામાં સારું હોય એમ પણ રિઝલ્ટ મળ્યું છે પણ માવા બંધ કરવા પડશે પાછા માવા હું નથી ખાતો સાહેબ બંધ કરી દીધા હવે તો આ તો વહુ બહુ હતું આ તો માન સારું થયું નકર તો આમાં તકલીફ જ હતી બહુ ગુડ મોર્નિંગ હું મારું નામ છે રવિ પરમાર હું જેતપુરથી બિલોંગ કરું છું અને આજથી જોવા જઈએ તો ઘણા લોકોને અત્યારે જોવા જાય તો હેલ્થની ઘણી બધી સમસ્યા હોય એમાં વધારે ભાગે જોવા જાય તો ઓવરવેટની આજથી 6 મહિના પહેલાં મને પણ ઓવરવેટની સમસ્યા હતી ત્યારે મેં લોકો માણસો પોતા ઉપર તો કામ કરતા જ હોય પણ મેં લોકો એવું કર્યું કે માણસો હાથું મેં કામ કર્યું માણસોનો જો ઓવરવેટ મારો ઓછો થાય તો ઓલરેડી એનો થશે જ તો માર્કેટમાં જતો ત્યારે એવી સમસ્યા હતી કે લોકો મને એવું કહેતા કે સાહેબ તમારો ક્યાંકને ક્યાંક ઓવરવેટ છે તો તમે પહેલાં ઓછું કરો તો મેં એવું વિચાર્યું અને આજથી છ મહિના પહેલાં મેં દવા લેવાનું ચાલુ કર્યું જ્યારે અહીંના એક રાજકોટના જ મારા સિનિયર સર છે ડૉક્ટર રાહુલ ભટ્ટી સર જ્યાં એ પોતે બેઠેલા છે એ લોકોને મેં પૂછ્યું કે એના સજેશનથી કે વેટ લોસ કઈ રીતે કમ થાય તો આપણી જે મેંદોરવાટી છે તુલસી છે અને ગ્રીન ટી છે એનું મેં સેવન ચાલુ કર્યું આજ મારે કન્ટિન્યુ 6 મહિના થઈ ગયા છે અને મારો પહેલાં વજન હતો 90 કિલો આજે મારો 15 કિલો વજન ઓછો થયો છે 75 કિલો વજન છે ને ટીમેશનું તેહ દિલથી સ્વાગત કરો થેન્ક કહેવા માગું છું અને નિર્મળ સરનું કે જે આવી સારી એવી પ્રોડક્ટ બનાવે છે જેથી સારા એવા રિઝલ્ટ પણ મળે છે ભાઈ મેંદોરવાટી તો ક્યાં વાત કરું સર લગભગ 50,000થી વધારે કીટ આપણે વેચી નાખી છે અને કેટલા બધા સેટિસ્ફાઈડ કસ્ટમર્સ છે જેની કોઈ ગણતરી જ નથી એવું છે યસ મેમ હું જૂનાગઢથી છું મારું નામ છે ડૉક્ટર ઇન્દિરા પટેલ અને હું આયુર્વેદિક ડૉક્ટર છું અને આજે ટીમેક્સ રિટેલ લિમિટેડ કંપનીને આયુર્વેદના ક્ષેત્રે ખૂબ પ્રગતિ કરતા જોઈને હૈયું ગદગદ થાય છે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું ટીમેક્સ પરિવારને અને કંપની સાથે હું જોડાઈ ગઈ છું અને મારી અપલાઇનમાં સાગર સર છે અનિલ સર છે પારુલબેન ગગલાણી છે જયદીપસિંહ મોરી છે
કૌશિક સર છે, આ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ આગાજ ફંક્શનથી મને ખૂબ ખૂબ ખુશી થઈ છે કે આયુર્વેદને ઉજાગર કરતો આ કાર્યક્રમ મને ખૂબ આનંદ આપે છે. હવે ખાસ વાત કરું અહીંયા કે આયુર્વેદિક ડૉક્ટર આજે આ કંપની સાથે જોડાય છે તો શું અપેક્ષા રાખે છે અને શું ફાયદા થયા છે? તો પહેલું હું મારું જ કહીશ, કેમ કે આપણી પહેલો આપણું જે છે કે ભાઈ પોતે તમે પ્રોડક્ટ યુઝ કરો પછી તમે બીજાને કહો, બરાબર ને? તો મારી પાસે જ્યારે મારી અપલાઈન આવી તો મેં કીધું હું પહેલાં યુઝ કરીને જોઉં, હે ને? તો મારે પહેલાં યુઝ કરવું છે તો હું લોકોને વિશ્વાસથી કહી શકીશ કે હા યસ આ કરવા જેવું છે. તો વાત એ છે કે કોરોના વખતે મારા પપ્પાને કોરોના થયેલું ત્યારે દિલોજાનથી મેં મારા પપ્પાની સેવા કરેલી. લોકો એમ કહેતા કે ભાઈ કોરોના છે તો એની પાસે નહીં જવાનું, પાસે નહીં જવાનું. મેં કીધું માતા પિતાની સેવા કરતાં મૃત્યુ આવે તો કબૂલ છે, પણ માતા પિતાની સેવા એ આપણી પહેલી ફરજ છે. એટલે હું મારા પપ્પાની સેવા દિલોજાનથી કરતી હતી અને મારા પપ્પાને રિયલમાં મેં સેવા કરીને એને એમાંથી પથારીમાંથી ઊભા પણ કરી દીધા, કેમ કે રોજ નીલગિરીના તેલનું માલિશ કરવું, નગોળોના પાનનો ઉકાળાનો એને વરાળીઓ શેક આપવો, ટોટલી હું એની પાસે બેસીને ટોટલી એને પણ નાસ લેવડાવતી બધી, અને સાથે ટ્રીટમેન્ટ તો ખરી જ, પણ એ દરમિયાન થોડું ઘણું ઇન્ફેક્શન મને પણ લાગ્યું અને ખુદ હું કોરોનાનો શિકાર થયેલી. પણ હું તો જાણું છું એટલે લગભગ એમ કહું ને કે લગભગ 10-15 દિવસમાં મને રિકવરી આવી ગઈ હતી. પણ હવે એવું થયું કે કોરોના થયા પછી મને જ્યારે જ્યારે શરદી ઉધરસ કે કફ થાય ને તો મને એટલી હદે થાય ને કે જલ્દી રિકવરી ન આવે. ટૂંકમાં મારે એલોપેથિક દવાનો સહારો લેવો પડે, એન્ટીબાયોટિક લેવી પડે, અને એન્ટીબાયોટિક લીધા પછી મારું શરીર એકદમ છે ને એમ નર્વસ થઈ જાય, એકદમ કોથળા જેવું શરીર થઈ જાય, કંઈ આપણે કંઈ ઉત્સાહ ના રહે. 2-3 વખત કોરોના પછીના એટેક જે મને શરદી ઉધરસ કફને એટલે ઋતુફેરના આપણને જે થાય ઓમ નહીં પણ આપણે ઋતુફેરની જ આપણને અસર થતી હોય તો મને રિકવરી ઘડીકમાં ન આવે. તો આ વખતે આ શિયાળામાં આ દરમિયાન જ આ બધા લોકોનો મને કોન્ટેક્ટ થયો અને આ વખતે મને શરદી ઉધરસ થયા ને તો હું ડરી ગઈ કે પાછું એ મારી 15 દિવસની મારી પૂરું એમ. અને જનરલી બીજા બધાની માન્યતા કેવી કે બેન તમે તો આયુર્વેદના જાણકાર છો પણ આયુર્વેદ તો ધીરે ધીરે સારું કરે ને, એમ આયુર્વેદમાં શું એલોપેથિક જ લેવી પડે એમ. એટલે હાડું મેં કીધું આયુર્વેદની આ છાપ મને ન ગમે, મને તાત્કાલિક રિઝલ્ટવાળી દવા જોઈએ. અને મેં આ જે છે તુલસી ડ્રોપ એનો મેં પ્રયોગ કર્યો અને 3 ટીપાથી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું તો 3જે દિવસે મને શરદી ઉધરસ કફ બિલકુલ એકદમ સરસ. એટલે જે લોકોની એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ ધીરે ધીરે સારું કરે છે એ માન્યતા ટીમેક્સ કંપનીએ ખોટી પાડી છે. પ્લસ હું ઘણા લાંબા સમયથી મારા બેક પેનને લઈને સફર કરું છું, મને L4-L5-S1માં ડિસબલ્જિંગ આવ્યું છે એક્સિડન્ટલી, એટલે ટૂંકમાં પડી ગઈ હતી ટેબલ ઉપરથી અને એના કારણે મને ડિસબલ્જિંગ થયું છે. તો મને લાંબા સમયથી એ છે, મેં નહીં તો 5 જેટલા ન્યુરોલોજિસ્ટને બતાવી જોયું અને કે બેન હવે ઉંમર થઈ ગઈ છે, આમ થઈ ગયું છે, તમને હવે રિકવરી આવતા વાર લાગે, ઓપરેશન કરાવી નાખો. મેં કીધું એ વાત ખોટી, બરાબર ને? એ વાત ખોટી, હું આયુર્વેદમાં છું, હું આયુર્વેદથી મારી જાતને જો સાજી ન કરું મારે સાજોય નથી થવું, મારે એ ઓપરેશન કરીને સાજો થાવ તો હું આયુર્વેદિક ડોક્ટર જ ના કહેવા, બરાબર? પણ થેન્ક્સ ટીમેક્સ રિટેલ લિમિટેડ કંપની કે જેણે મારા સુધી આ મેડિસિન પણ પહોંચાડી, બોઝવેલિયા, પછી આપણી કેલ્શિયમ, ઓર્થો ઓઇલ, જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ છે, સાથે નોની જ્યુસ તો ખરું જ, સાથે વેરી બેરી જ્યુસ તો ખરું જ, એને તો સરસ બધી રિઝલ્ટ આપતી છે, મને ઘણું બધું એનાથી ફાયદો થયો છે. આજે હું બોલું છું મારા પર અજમાવેલી બોલું છું, બીજાની વાત નથી કરતી, મને જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ, ઓર આપ સભી લોકો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ. પ્લીઝ, જૈસે મેડમ ને બતાયા કે વો ખુદ આયુર્વેદિક ડોક્ટર હૈ ઓર આજ વો ટીમેક્સ મેં ઉન્હોને ટીમેક્સ કી પ્રોડક્ટ કે રિઝલ્ટ દીએ તો યે ભી એક બહોત હી પ્રાઉડ કી બાત હૈ. ઓર જૈસે કે યે જીતની ભી પ્રોડક્ટ્સ હૈ સમજો, યે જૈસે કે મેને આપ સબ લોગો કો બતાયા, હવે આપને બધાને ખબર છે પ્રોડક્ટ જોરદાર છે પણ વાપરીએ છીએ? એટલે પહેલાં આપણે વાપરવી પડશે, રાઈટ? અને એવું નહીં વિચારવાનું મને મળ્યું મને ના મળ્યું, એ લે મતલબ એ લેની એ સપ્લિમેન્ટ્સ એસા નહીં હૈ, રિઝલ્ટ નહીં દેખના હૈ, સપ્લિમેન્ટ્સ ઇસકો રોજ લેની ચાહીએ બસ, અગર હમ લેતે રહેંગે તો હેલ્ધી રહેંગે. ઓર એક ચીજ હંમેશા યાદ રખની હૈ
पैसे तो कमाते रहेंगे, दुआ जिस दिन लग गई ना किसी की, दिल से आबाद हो जाओगे। ये पैसे कमाने का बिजनेस बाद में है, दुआ कमाने का बिजनेस सबसे पहले। तो लास्ट में मैं यहाँ पर एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा, जो मैंने शुरू किया था तब आपको बताया था कि जब हम किसी को मिलने जाते तो कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रखना है कि मैं प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा लूं। ऑलवेज अपना इंटेंशन ये रखो कि इसके घर पर कोई बीमारी ना आए, ये इंटेंशन के साथ लोगों को मिलने जाओ। अपना इंटेंशन ऐसा रखो कि किसी के घर पर बीमारी ही ना आए, सब लोग स्वस्थ रहे, इस इंटेंशन से हमें लोगों को मिलने जाना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरा ये जो स्पीच है उसको मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए निर्मल सर के लिए।